दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औरंगाबाद के कुटुंबा पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ बिहार सरकार के क्रियाकलापों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता में धन उपार्जन के लिए आते हैं, जबकि काम करना उनकी आदत है और सत्ता में आने के बाद पिछले 13 सालों से लगातार काम ही कर रहा हूं। ऐसे में आज आपके समक्ष अपने किए की मजदूरी मांगने आया हूं और मेरी मजदूरी तब मिलेगी जब 11 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाकर आप सुशील सिंह को जिताकर दिल्ली भेजेंगे। हम बिहार को गौरव की उसी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, यही मेरा एक सपना है, यही मेरा एक संकल्प है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। जब काम करने का मौका मुझको आप लोगों ने दिया है, तब से लगातार 13 साल से काम कर रहे हैं और कानून का राज कायम करना हमारा संकल्प और इसके अलावे न्याय के साथ विकास का, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास। बिहार का कोई इलाका ऐसा नहीं बचे जिसका विकास न हो, और समाज के हर तबके का विकास। तो समाज के जो तबके किनारे पर थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने अनवरत प्रयास किया और किसी की उपेक्षा नहीं की। अभी मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके अनारक्षित सवर्ण वर्गों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया। हम लोगों ने राज्य में कानून बनाकर उसको लागू कर दिया और 100 का जो रोस्टर है वह भी तत्काल हम लोगों ने जारी किया। हमने किसी की उपेक्षा नहीं की। हम लोग आ गए सत्ता में, हमारे लिए सेवा ही धर्म है। और बहुत लोग सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं धनार्जन के लिए, माल बनाने के लिए, तो ये तो आप लोगों को सोचना। अगर आप 13 साल से जो काम चल रहा उस काम को आप देख रहे हैं और आपको ये काम ठीक लगता है तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि एनडीए के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार सुशील जी को यहां पर वोट दीजिए। और 11 तारीख को वोट पड़ने वाला है और कमल का बटन दबाकर वोट दे दीजिए। तो हम तो आए हैं आपके बीच में और कुछ नहीं कर रहे, हम तो यही कह रहे हैं, हम तो सेवा करते हैं। तो हम तो आए हैं आपके, हम मजदूरी मांगे, मैं काम करते हैं, तुमको मजदूरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा सो बताइए। अब मेरे लिए मजदूरी यही है कि 11 तारीख को आप कमल का बटन दबा के वोट दे दीजिएगा, वही मेरे लिए मजदूरी। औरंगाबाद में एक चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार धुंधुकर जल उठा। घटना NH 139 पर जमहोर थाना क्षेत्र के भरथौली नहर के पास की है। कार पर सवार 4 लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार सवारों को चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया गया। इस बीच सूचना मिलने पर जमहोर थाना की पुलिस तथा दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची
और आग पर काबू पाया, मगर तब तक कार का इंजन पूरी तरह जल चुका था। हम लोग पटना जा रहे थे गाड़ी से, और जो ही औरंगाबाद से 10 किलोमीटर ही आगे बढ़े, गाड़ी करीब 70 प्लस की स्पीड में गाड़ी थी, 70-75 स्पीड में गाड़ी थी, और जब ही 10 किलोमीटर आगे बढ़े गाड़ी में एकाएक आग लग गई, आगे से लहरना शुरू हो गया। ब्रेक मारे तो ब्रेक काम नहीं किया, ब्रेक लग ही नहीं रहा था, बड़ी कितना बार प्रयास किए ब्रेक नहीं लगा, गाड़ी स्पीड में चल रही है और इसी आग लहर रही थी, तो हैंड ब्रेक मारे तो गाड़ी कुछ का स्पीड कम हुआ। उसके बाद हम लोग चलती हुई गाड़ी में से 4 आदमी उसमें सवार थे, हम थे, पंकज कुमार जी थे, मुन्ना जी थे और मनोज बाबा थे, चारों चलते हुए गाड़ी में से कूद कर अपना जान बचाएं। हम लोग को चोट भी काफ़ी लगा और गाड़ी लहरने लगी, तब तक सूचना चली गई जमहोर थाना को, बुझाया गया कैसे कैसे करके, लेकिन सारा उसका इंजन जल के राख हो गया। सीएम नीतीश कुमार आज औरंगाबाद के रफीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने आरबीआर के खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए औरंगाबाद लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के पक्ष में वोट करने के लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं पूरे देश में बिजली निर्बाध रूप से मिल रही है, अब हर गांव बिजली की रोशनी से जगमगा रही है और लोगों को अब लालटेन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया, वही जात पात से ऊपर उठकर एनडीए प्रत्याशी सुशील सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने की लोगों से अपील की। माँ विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहाँ आप पाएंगे SD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी, अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ टीवी देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तथा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने हम प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित किया। गांधी मैदान में आयोजित इस सभा में दोनों ही नेताओं ने बीजेपी तथा जदयू पर जमकर तंज कसा। ये नीतीश कुमार जनमत के धोखा दे रखी है, यानी तोहानी के वोट लेकर के मुख्यमंत्री बनल थी, और लालू प्रसाद के दरिया दिल्ली के वो धोखा दे थी, दरिया दिल्ली ये कहा कि 81 मेंबर हल थी राजद के और 70 मेंबर हल थी खानी, तो ज्यादा वाला क्या हो मुख्यमंत्री, और 83 प्रसाद के मुख्यमंत्री होवे के चाहती है, लेकिन लालू प्रसाद की कृपा करके दोस्ती निभाई थी और नीतीश कुमार के बना दे थे मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा पलटी मार करके चल दे थे खानी के सामने जो करते हिसाब में है, यही ला बन कहियो भारत में महागठबंधन के सरकार बनती दिल्ली में, और जिस दिन दिल्ली में बनती तो दो काम, एक तो लालू यादव को छोड़े और दूसरा बिहार के पलटो और नीतीश कुमार के भी चलता हम करा दे। पिछले बार नौजवान लोग बीजेपी का नारा लगाता था, क्या नारा लगाता था, हर हर मोदी घर घर मोदी लगाता था कि नहीं लगाता, उसलिए हम कह रहे ये हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, ये बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है, इनके झांसे में नहीं आना है। उसलिए बार बार हम लोगों को इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि समय नहीं है, लेकिन एक बात समझ जाइए, ये हमारे पंटू चाचा ने पलटी इसलिए मारी क्योंकि इनको सृजन घोटाले का डर था, डर के कारण बीजेपी के गोद में चले गए, ताकि बीजेपी में चले जाइए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा ना, आप बीजेपी से लड़ाई लड़ोगे, सच के राह पे चलोगे, गरीब का लड़ाई लड़ोगे, तो आप पे मुकदमा होगा, आप पे रेड होगा, आपको जेल भेजने का काम किया जाएगा। औरंगाबाद में अज्ञात अपराधियों ने 65 वर्षीय महिला लालू कुंवर की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी।
मामला हसपुरा थाना क्षेत्र के पीरूपद की है। हत्या का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। मृतका मूल रूप से बालाविघा की रहने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों से पेट्रोल पंप व थाने के बीच पीरूपद में झोपड़ी में रहती थी, जिसकी बीते देर रात अपराधियों ने हत्या कर दी है। इधर आज सुबह घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग जुट गए और घटना के विरोध में शव के साथ सड़क को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। सभी ग्रामीण हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हसपुरा थाने की पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया, तब जाकर जाम हट सका। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी है। माया ना भैंस निकाल ले ना बाहर ले सुहर ले है। तो हम कह लिए माई गैस ना भी ना गए हैं, तो देख ली क्या माया है ये ना है। तो घरवा में देखे तो देखे कि केवड़िया उठगावल है, तो घरवा में घुसे तो केवड़िया खोले तो देखे क्या माया गिरल है। तो हम कहा माया सुतल है गए, तो फिर टॉर्चवा बार के देखे ना इसे तो देखिए मैया का तो जान मारल है। तब फिर हाला किए मारा गया है, कैसे मारा गया, जमीन के मामले में मारा गया और का। औरंगाबाद के सूर्या नगरी देव में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पूजा के दौरान जाम की स्थिति न हो और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे लेकर आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सीओ अरुण कुमार गुप्ता एवं एएसआई शशि भूषण सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में छठ घाट, सब्जी मंडी समेत सभी रास्तों में खड़े ठेले वालों और दुकान के आगे लगे सामान को हटाने के निर्देश दिए गए। सीओ ने अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी और व्यापारियों को समझाते हुए कहा कि छठ पूजा एवं मतदान के दौरान जाम की स्थिति उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आगामी जो चैती छठ है वो 9 तारीख से लेकर के 12 अप्रैल तक और आज 8 तारीख हो गया। यहाँ घूम करके सभी जगह अतिक्रमण से इस एरिया को मुक्त करना है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है और उसी दिन राष्ट्रीय महापर्व भी है, चुनाव है उसी दिन, और ये सब को देखते हुए यहाँ से अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। सब लोग अतिक्रमण किए हैं, जो कुछ नहीं किए उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 24 घंटा के अंदर अपना अपना जगह खाली कर दें, रोड से कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, सभी श्रद्धालुओं को आने जाने में कठिनाई ना हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।